दोस्तों बचपन में आपने जादू देखा होगा। जादूगर जो है वो कबूतर को गायब करता है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ताज पैलेस है, हम लोग हैं, मगर इतने सारे लोग हैं जो फोटो को थोड़ा सा अजीब बना रहे हैं। अब बिल्कुल नीट एंड क्लीन अगर आपको फोटो चाहिए जिसमें सिर्फ आप हो और ताज हो, तो आप क्या करेंगे, इन सबको गायब कर देंगे। तो जादूगर की तरह गायब कैसे करते हैं, तो गिली गिली छलू 1 2 3 आप ऐसे करेंगे तो आप देखिए सारे के सारे लोग जो है वो गायब हो चुके हैं। आश्चर्य आप कर रहे होंगे कि ये जादू कैसे हुआ, तो इसी को डिटेल में आपको बताने वाले हैं अपने इस वीडियो में, जिसमें आप देखेंगे कि आप अपने इस आईको G9S Pro 5G मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे। दोस्तों हमारे पास आ चुका है ये आईको का G9S Pro 5G मोबाइल, जो कि 20,000 से 21,000 के रेंज में बहुत ही कमाल का फोन निकल के आया है। इसमें आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, वो भी कर्व्ड स्क्रीन के साथ। 4500 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है, यानी कि कहीं भी आपको बाहर आउटडोर में या इनडोर में बिल्कुल भी डिस्प्ले में तो प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। 5500 मिली एम्पायर का मैसिव बैटरी देखने को मिल जाता है, 80 वॉट के सुपर वो फास्ट चार्जर के साथ। 50 और 8 मेगापिक्सल का पीछे में आपको अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिल जाता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है, आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 देखने को मिलता है, और साथ में स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जिसका एंटीटू स्कोर ऑलमोस्ट 8 लाख के आसपास है, और साथ में ये आता है 99 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स के साथ, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने इस आईको मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु, और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे फीचर के साथ जो आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि बैक बटन यहाँ पे होता है, आप राइट हैंडर है तो आपको काफी दिक्कत होता है स्क्रीन में बैक नेविगेट करने में। तो उसको अगर आपको करना हो तो आप क्या करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं सिस्टम है, इसमें सिस्टम नेविगेशन है, 3 बटन का नेविगेशन आप यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप स्वाइप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं बैक बटन यहाँ पर आ जाएगा, बस आप ऐसा कर दीजिए, अब आप आसानी से स्वाइप कर सकते हैं अगर आप राइट हैंडर है तो। और इसी में आपको लगता है कि आईफोन की तरह आपको जेस्चर चाहिए, यानी कि ये सब बटन का जरूरत नहीं है, ना होम बटन चाहिए, ना रिसेंट चाहिए, ना बैक चाहिए, केवल जेस्चर से ही काम होता है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जेस्चर नेविगेशन पर टच कर देना है। और आप देख सकते हैं बैक बटन जो है वो गायब हो जाता है, और यहाँ पर एक छोटा सा बार आ जाता है। अब ऑब्वियसली आप सोच रहे होंगे होम स्क्रीन पे जाना तो कैसे जाएंगे, कुछ नहीं करना, बस नीचे से ऊपर से स्वाइप कर दीजिए, देखिए आप होम स्क्रीन पे कितने आसानी से चले जाते हैं। फिर आपको लग रहा होगा बैकग्राउंड में जो एप्स है, यानी रिसेंट एप्स है, उसमें आप नेविगेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, नीचे से ऊपर आपको स्वाइप करके रखना है, बीचों बीच आप देख सकते हैं जितने भी बैकग्राउंड में रिसेंट एप है वो यहाँ पर आ जाते हैं, आप जिनको भी एक्सेस करना ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, उड़ाना ऐसे उड़ा भी सकते हैं। फिर आपको मन करता है कि ये जो रिसेंट एप्स थे इसमें एक ऐप से दूसरे ऐप में जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, ऐसे करके आप किसी भी ऐप को ओपन कर लीजिए और यहाँ जो बार है बस इससे आप ऐसे कीजिए, देखिए आप एक ऐप से दूसरे ऐप में कितना आसानी से चले जाते हैं, इनफैक्ट सिर्फ राइट ही नहीं आप लेफ्ट करेंगे तो आप लेफ्ट में भी जा सकते हैं इतनी ही आसानी से। फिर आपको तलब लगता है कि नहीं ये जो जेस्चर बार है ये भी नहीं दिखना चाहिए, तो आप देख सकते हैं हाइड बॉटम बार का ऑप्शन है यहाँ पर, बस इसको इनेबल कर दीजिए, देखिए ये भी गायब हो जाता है। अब काम कैसे करेगा, बिल्कुल वैसे ही करेगा, नीचे से ऊपर से स्वाइप कीजिए, देखिए आप फटाक से होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि बैक जाना है वो कैसे जाएंगे, तो किसी भी इससे बस अंदर की ऐसे कीजिए, देखिए बैक बटन बन जाता है, बैक चले जाते हैं। फिर इधर से भी आप बैक करेंगे, देखिए बैक बटन बन जाता है, बैक चले जाते हैं। और इसी सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो सिस्टम नेविगेशन के साथ साथ आपको फोन क्लोन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि किसी भी नए फोन को अगर आप क्लोन करना चाहते हैं, चाहे इस डेटा को उसमें डालना चाहते हैं या इस नए फोन में उसके डेटा को लाना चाहते हैं, तो आप इजी शेयर के थ्रू बहुत आसानी से अग्री करके फोन क्लोन को यूज कर सकते हैं और अपने सारे डेटा को सीमलेसली ट्रांसफर कर सकते हैं अपने नए मोबाइल में। बस आपको इसको बता देना है कि ये जो डिवाइस है ये ओल्ड है और ये जो डिवाइस है ये न्यू है। अब दोस्तों आपके इस मोबाइल में अच्छी बात यह है कि इसमें आपको नेटिव ऐप देखने को मिल जाता है कॉलिंग के लिए, जिसमें आप जाएंगे 3 डॉट्स के मेनू में जाएंगे, कॉल सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सारे के सारे कॉल को ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग के लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं, बस आपको यहाँ पे अग्री कर लेना है। और रिकॉर्डिंग कहाँ सेव हो तो आप देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज के रिकॉर्डिंग के रिकॉर्ड कॉल में सेव होता है। अब ऑब्वियसली आप ये जानने के लिए बेकरार होंगे कि गूगल वाली आंटी जो है कॉल रिकॉर्डिंग जो बोलती है वो बोलेंगी कि नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगी दोस्तों, क्योंकि गूगल का ये डायलर ही नहीं है, इसका नेटिव अपना डायलर है। तो बिंदास कॉल को रिकॉर्ड कीजिए, जैसे यूज करना है यूज कीजिए, और साथ में यहाँ आपको अननोन नंबर ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। किसी भी तरह का आपको ट्रू कॉलर या कोई भी थर्ड पार्टी ऐप का जरूरत ही नहीं है कॉल आइडेंटिफाई करने के लिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल रेडीमेड मिल जाता है। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं स्पीड डायल भी आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि बस आप 2 पे टैप करें और जिसको भी आप नंबर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जैसे इसको लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर आ जाता है, तो बस अब आप टैप करेंगे और कॉल कर सकते हैं, यानी 2 पे आप गर्लफ्रेंड को रख सकते हैं, 3 पे वाइफ को रख सकते हैं, नहीं दोनों को एक साथ मत रखिए दोस्तों वरना बवाल हो जाएगा, दोनों में से किसी एक को ही रखिएगा, बस टैप कीजिए डायल कीजिए, स्पीड डायल आपको नंबर याद
याद करने का जरूरत है ना नाम याद करने का जरूरत है। अब आपको पता है कि जब आप नया नया फोन लेते हैं तो आप यहाँ पर अपने ऐप ड्रॉर में जाते हैं तो आपको बड़ा ही अजीब सा चीज देखने को मिलता है, ये हॉट एप्स और हॉट गेम्स का, जो देखने में तो फोल्डर लगता है मगर एक्चुअली में ये ऐप है और भर भर के आपको ब्लोटवेयर दे देता है गलती से। आप चाहते भी नहीं है मगर अनजाने में ही आप इतने सारे ऐप्स को डाउनलोड कर लेते हैं जो फिर आपको लगता है कि क्या कर लिया आपने। तो बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, किसी में भी सेटिंग्स में जाना है, पहले तो अग्री कर लेना है, तो अग्री कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिएट हॉट एप्स ऑन होम स्क्रीन, बस इसको आपको डिसेबल कर देना है। किसी तरह से हॉट गेम्स को भी आपको बस डिसेबल कर देना है, तो आप देखेंगे कि ऐप ड्रॉअर से हॉट एप्स और हॉट गेम्स है वो गायब हो चुका होगा। इनफैक्ट देख ही लेते हैं गायब हुआ है कि नहीं हुआ है, वरना आप बाद में बोलेंगे कि हॉट एप्स हॉट गेम्स गायब ही नहीं हुआ, ये देखिए गायब हो चुका है। जी के बाद एच आना चाहिए था मगर आई आ गया। अब दोस्तों आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि आपको बैटरी का परसेंटेज ही नहीं बता रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कितना परसेंट बैटरी है और कितना चार्ज हुआ कितना डिस्चार्ज हुआ। तो उसके लिए आपको बाय डिफॉल्ट इनेबल करना होता है, सेटिंग्स में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे स्टेटस बार देखने को मिल जाता है जिसमें आपको नोटिफिकेशन मेथड है आइकॉन, यहाँ पर आप देख सकते हैं आइकॉन दिख रहा है मगर बैटरी स्टाइल परसेंटेज देखना है तो यहाँ टच करना है और आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है डिस्प्ले आउटसाइड बैटरी और देखिए यहाँ पर दिखा रहा है 99%। आप बैटरी की तरह चाहते हैं, सर्कल की तरह चाहते हैं, जैसा भी चाहते हैं यहाँ पर आ सकता है। आजकल ये कूल लगता है इसलिए मैं इसी को रखता हूँ, मजा आ जाएगा, आप यूज कीजिएगा और देखिएगा। रियल टाइम डिस्प्ले नेटवर्क को अगर आपको दिखाना हो तो यहाँ सेलेक्ट कर दीजिए, देखिए यहाँ पर आ जाता है। और डिस्प्ले में आप जानते हैं दोस्तों बहुत सारा फीचर देखने को मिलता है, जैसे आप डार्क थीम यहाँ पर यूज कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको बैटरी बचाना है, आई प्रोटेक्शन को आप यूज कर सकते हैं रात में खासकर अगर आप रीडिंग करते हैं अपने मोबाइल में ताकि आपके आंखों पर जोर न पड़े और आपको नींद बहुत बढ़िया है। ठीक इसी तरह से स्क्रीन कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, चटक कलर ब्राइट रख सकते हैं ताकि आपका फोन अच्छा लगे, बैटरी थोड़ा ज्यादा खाएगा, नया फोन है दोस्तों तो थोड़ा बैटरी खाना बनता भी है। फिर इसमें नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको स्क्रीन सेवर देखने को मिल जाता है, रिफ्रेश रेट है बहुत ही कमाल का चीज, स्मार्ट स्विच यानी कि 1 हर्ट्ज से आपको 120 हर्ट्ज तक ये आपको ऑटोमेटिकली बताएगा आपके स्क्रीन के अनुसार कौन सा रिफ्रेश रेट रखना है। मगर नया फोन है दोस्तों मक्खन की तरह यूज करना है तो आपको 120 हर्ट्ज ही रखना, और जैसे ही आप इसको करते हैं आप देखते हैं कि नया ऑप्शन इनेबल हो जाता है एप्स रनिंग एट हाई रिफ्रेश रेट, और इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से ऐप्स को आपको हाई रिफ्रेश रेट पर रखना है कौन सा नहीं रखना है। अब एग्जांपल के लिए ब्राउजर में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट क्यों चाहिए, नहीं चाहिए तो यहां से बस डिसेबल कर दीजिए। अब दोस्तों आपको इस फोन में बहुत ही कमाल का ऑप्शन स्मार्ट साइड बार का देखने को मिल जाता है, आप यहां पर देख सकते हैं कितना बढ़िया से ये साइड बार आ जाता है जिसके थ्रू आप किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं बहुत ही आसानी से मिनी विंडो में यानी स्मॉल विंडो में फ्लोटिंग विंडो में। अब फ्लोटिंग विंडो खुल गया तो चलिए फ्लोटिंग विंडो का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, यहां से कहीं से भी इससे पकड़ के इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरह से, देखिए छोटा हो जाता है मिनी विंडो में, जैसे ही बड़ा करते हैं तो स्मॉल विंडो जाता है, बड़ा करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा स्मॉल विंडो इस तरह का आएगा। इसके स्कैन को पकड़ के आप कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं इस तरह से, फुल स्क्रीन करने का मन हो तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन मिल जाता है, बस टच कीजिए देखिए फुल स्क्रीन में आ जाता है। फिर आपको लगता है कि फिर से इसको मिनी विंडो में बनाया जाए तो आपको रिसेंस में जाना है, इस ऐप के आइकॉन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल विंडो का ऑप्शन कर दीजिए, देखिए फिर से स्मॉल विंडो में आ जाएगा। मिनिमाइज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं, देखिए छोटा सा आइकॉन बन के यहाँ बैठ जाता है, बैकग्राउंड में आपको जो मन है वो करते रहिए, यहाँ पे बैठा रहेगा और जब आपको लगता है कि इसका काम हो गया तो टैप कर दीजिए, देखिए वापस से आ जाएगा। फिर आपको लगता है इसका जरूरत ही नहीं है तो यहाँ क्लोज विंडो है, आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। तो मैं स्मार्ट साइड बार की बात कर रहा था, उसको आप कहाँ से इन्वोक कर सकते हैं, तो सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे आना है, शॉर्टकट्स एक्सेसिबिलिटी में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं स्मार्ट साइड बार देखने को मिल जाता है जिसको बस यहाँ से इनेबल कर देना है। और आप चाहते हैं कि दो रिसेंट ऐप आपको दिखे जो आपने एक्सेस किया रिसेंटली तो शो रिसेंट ऐप्स को भी यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी में तो आप देख सकते हैं आपको स्प्लिट स्क्रीन का भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कैसे तो तीन फिंगर से ऐसे करके देखिए स्प्लिट स्क्रीन ये कर रहा है, तो चलिए उसको भी देखेंगे। लेकिन एक और तरीका है जिसमें आप स्मार्ट साइड बार से भी कर सकते हैं, तो आइए चलिए देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं, तीन फिंगर से ये बोला ऊपर करने के लिए, तीन फिंगर से ऐसे करते हैं और देखिए स्प्लिट स्क्रीन में ये कन्वर्ट हो जाता है आधे में। बाकी आधे में आपको क्या लाना है तो आप कुछ भी ला सकते हैं, यहाँ पर एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर फेसबुक कर दीजिए, देखिए आधे में फेसबुक हो जाता है, आधे में आपका क्रोम हो जाता है और बीच में आपको ये डिवाइडर मिलता है, इसको पकड़ के आप किसी को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड कितना बढ़िया ब्लर कर रहा है और आपको आइकॉन भी दे रहा है कि ये क्रोम है ये फेसबुक है, और जितना छोटा बड़ा करना चाहते हैं यहाँ से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आपको लगता है नहीं क्रोम ही आपको पूरा चाहिए तो बस ऐसे कर कैसे कर दिया, देखिए पूरे में क्रोम आ जाएगा। और फिर आप चाहते हैं स्प्लिट स्क्रीन तो क्या करेंगे, अगेन आपको रिसेंस में जाना है, यहाँ पर आइकॉन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन में इसको फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब एक कमाल का चीज आपको और दिखाते हैं स्प्लिट स्क्रीन में आने का, आपको यहाँ पर साइड बार को ऐसे ले आना है और किसी भी ऐप को जैसे फेसबुक को आपको यहाँ से पकड़ के ऐसा ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर रखना है और आप देखिए आधे में फेसबुक आ जाता है आधे में क्रोम आ जाता है, स्प्लिट स्क्रीन को आप इस तरह से भी ला सकते हैं। वैसे एक तरीका और है दोस्तों अगर आप जाना चाहते हैं, तो अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे फिर से ऐसे आएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बस यहाँ पे जो स्प्लिट स्क्रीन है इसको आपको टच कर देना और देखिए आधे में स्प्लिट स्क्रीन में ये हो जाता है और आधे में फिर आप कोई भी चाहते हैं क्रोम चाहते हैं तो देखिए क्रोम आ जाएगा। और यहाँ पर एक कमाल का चीज आपको दिखा देते, तो आप रिसेंस ऐप में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप रिसेंस के लेआउट को भी लाइव चेंज कर सकते हैं, अभी देखिए ये हॉरिजॉन्टल है अभी देखिए ये वर्टिकल हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसा आप चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं, आपको कहीं भी अंदर जाके कोई सेटिंग चेंज करने का जरूरत नहीं है, जब मन चाहे हॉरिजॉन्टल कीजिए जब मन चाहे वर्टिकल कीजिए। अब दोस्तों आप जानते हैं मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि वो फोन कमाल का फोन होता है जिसमें आपको ऐप क्लोन देखने को मिल जाता है यानी डुअल ऐप देखने को मिल जाता है, ऐप हाइड मिल जाता है यानी ऐप को हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर ऐप लॉक का मिल जाता है ताकि
आप अपने ऐप को लॉक कर सके ताकि आप ही उस ऐप को एक्सेस करें, कोई भी दूसरा आदमी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान उसको यूज ना कर सके। तो इसमें आपको वो तीनों फैसिलिटी देखने को मिल जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे ऐप्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऐप क्लोन देखने को मिल जाता है, जो ऑब्वियसली सोशल मीडिया ऐप्स पे ही काम करता है ज्यादातर। तो आप देख सकते हैं जिस भी ऐप को आपको क्लोन करना है, एग्जांपल के लिए फेसबुक करना है, बस यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए, क्लोनिंग ऐप बोल देता है और क्लोन करना शुरू कर देता है। और थोड़ी देर मेहनत करने के बाद ये बोलता है कि क्लोन ऐप जो हो चुका है वो होम स्क्रीन पर है। तो होम स्क्रीन पर जाने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको ऐप ड्रॉअर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फेसबुक जहाँ पर है, तो ये फेसबुक है और ये इसका क्लोन ऐप है और इसका एग्जांपल क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का डॉट ये बना देता है। तो फायदा क्या आप जानते हैं, एक ही मोबाइल में दो दो फेसबुक का मजा लीजिए, वो भी दो डिफरेंट अकाउंट से। तो अब चलिए ऐप को लॉक करते हैं, चलिए फेसबुक को ही लॉक करते हैं। अभी देखिए फट से खुल रहा है मगर अब नहीं खुलेगा क्योंकि आप वहाँ पर लॉक करने वाले हैं। कैसे लॉक करेंगे, तो सेटिंग्स में जाएंगे, इसमें फटाक से आपको नीचे जाना है, सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन का। पहले आपको पासवर्ड दे देना है, तो फटाक से आप कोई भी अच्छा सा पासवर्ड दे दीजिए जो कोई भी गेस ना कर सके। मैं तो जल्दी से दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से वीडियो बना सकूं। फिर आपको कुछ क्वेश्चन आंसर देना है, फटाफट से दे दीजिए और ऐसा करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ आपको ऐप इंक्रिप्शन यानी ऐप लॉक मिल जाता है, ऐप हाइड यानी ऐप को हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए पहले ऐप इंक्रिप्शन देखते हैं कैसे काम करता है। तो फटाक से आप किसी भी ऐप को लॉक करेंगे, एग्जांपल के लिए मैंने बताया था फेसबुक को करते हैं क्योंकि फेसबुक को मैंने ओपन करके भी दिखाया, तो यहाँ फेसबुक को बस यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। इसके बाद ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि ये जो ऐप लॉक टाइम है वो कितना हो, तो यहाँ से आप जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक्ड, आफ्टर द स्क्रीन इज लॉक्ड और ऐप इज क्लोज, 1 मिनट आफ्टर स्क्रीन इज लॉक्ड और ऐप इज क्लोज। तो ऑब्वियसली आफ्टर द ऐप इज लॉक्ड और स्क्रीन इज क्लोज कर दीजिए। अब देखिए ऐसा करने से आपको क्या होगा, तो आप जैसे ही आप अपने ऐप को एक्सेस करेंगे जो कि इस केस में फेसबुक है, तो जैसे ही करेंगे तो देखिए पहले तो फट से खुल जाता है मगर अब ये बोलेगा कि नहीं भाई एनक्रिप्टेड है, या तो पासवर्ड दो या तो पैटर्न दो या फिर फिंगरप्रिंट दो। पासवर्ड फटाफट देके देख लेते हैं काम करता है कि नहीं करता है। तो देखिए पासवर्ड देते हैं तो अब ये बोलता है कि फिंगरप्रिंट भी करना है, फेस भी करना है, बिल्कुल कर लीजिए फटाक से। पैटर्न मांगेगा, पैटर्न दे दीजिए और एक बार से ही आप दे देंगे तो देखिए इंक्रिप्ट हो जाता है और खुल जाता है। तो ऐप क्लोन और ऐप इंक्रिप्शन के अपार सफलता के बाद अब आप क्या देखेंगे, तो ऐप को आप कैसे हाइड कर सकते हैं। तो हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, तो ऑब्वियसली आपको फिर से सिक्योरिटी में जाना है, थोड़ा नीचे आएंगे प्राइवेसी ऐप इंक्रिप्शन में जाना है, ऑब्वियसली ये मांगेगा पासवर्ड, फट से यहाँ से पासवर्ड दे दीजिए, देखिए चले जाते हैं और ऐप हाइडिंग में चले जाना है। तो सबसे पहले तो हिडन ऐप कैसे देखेंगे, तो देखिए स्वाइप अप विद टू फिंगर्स ऑन होम स्क्रीन, पहले तो इसको ही इनेबल कर दीजिए। वेरीफाई प्राइवेसी पासवर्ड, ऑब्वियसली आपको प्राइवेसी पासवर्ड तो देना ही चाहिए ताकि आप ऐप हाइड कर रहे हैं आप ही उसको एक्सेस कर सके। और ऐप कौन सा हाइड करते हैं, चलिए फेसबुक ही हाइड कर देते हैं, आज फेसबुक पे ही गाज गिराते हैं दोस्तों, बहुत ही बकर बकर कर रहा है, चलिए यहाँ से इसको डोंट कर देते हैं, कन्फर्म कर देते हैं। अब देखिए ऐप हाइड हो जाना चाहिए तो फेसबुक नहीं दिखना चाहिए, देखिए यहाँ से फेसबुक गायब हो गया रिकमेंडेड से और आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ से फेसबुक आपको नहीं दिखता है, गायब हो चुका है। कैसे देखेंगे, तो होम स्क्रीन पे दो उंगली से करना था, चलिए होम स्क्रीन पे दो उंगली से करते हैं। देखिए बोलता है पासवर्ड देने के लिए, फिर से पासवर्ड देते हैं, देखिए दोनों फेसबुक यहाँ पर आ जाता है। खोलना हो तो आप क्या करेंगे, ऐसे टच करेंगे, देखिए फिर से ये लॉक है चुकी, तो फिर से मांगेगा, फिर से आप दे दीजिए और देखिए अब ये खुलेगा। तो है ना दोस्तों बिल्कुल इंटैक्ट प्राइवेसी, कोई परिंदा पर नहीं मार सकता आपके फोन के आसपास अगर आप मैजिकल टेक गुरु के इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड फीचर्स को फॉलो करेंगे। तो मगर एक गुजारिश और है दोस्तों की फटाक से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप जैसे प्यारे दोस्त लोग आते हैं वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिससे हमारा मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, वैसे भी हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर हिट करने वाले हैं, तो फटाफट से कर दीजिए और इन कंटेंट्स का मजा लेते रहिए। अब दोस्तों बैटरी में आपको एक कमाल का फीचर देखने को मिलता है जिससे आप फास्ट चार्जिंग को इनेबल कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, तो बैटरी में जाना है, ये बैटरी कहाँ चला गया दोस्तों, बैटरी को खोजिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जैसे ही आप बैटरी में जाएंगे तो सबसे पहले बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में जाएंगे और यहाँ पर आप देखते हैं फास्ट चार्जिंग को फटाक से इनेबल कर देना है। और बैटरी कैपेसिटी आपका 100% है, नया फोन है तो जरूर 100% हो जाए, 99% भी हो तो फेक मारिए इसको। आपने जहां से भी अपने मोबाइल को लिया है, चाहे डीलर से लिया है चाहे ऑनलाइन लिया है, और बोलिए कि नया फोन देने के लिए। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो बैटरी स्टाइल एंड परसेंटेज को यहां से भी आप इनेबल कर सकते थे जो हमने पहले किया डिस्प्ले से। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडियन फीचर की तरफ। जो कमाल का चीज है कि जैसे ही आप यहां पर वॉल्यूम को एक्सेस करते हैं तो आप देखते हैं कि वॉल्यूम बढ़ तो रहा है मगर बढ़ते बढ़ते देखिए क्या हो जाता है कि आपका 200% हो जाता है और यहां पर देखिए 300% तक वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये कमाल का चीज है दोस्तों। स्टूडियो स्पीकर तो इसमें आपको देखने को मिलता ही है मगर 300% वॉल्यूम का मतलब आप समझ सकते हैं कितना खतरनाक वॉल्यूम आपको मिलेगा। और म्यूजिक में जाएंगे तो एक कमाल का चीज और है। आप जैसे ही आप यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं, म्यूजिक में जाते हैं, म्यूजिक कहाँ चला गया, म्यूजिक को खोजना पड़ेगा, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूजिक वॉल्यूम एडजस्टमेंट पर ऐप का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना ही चाहिए और रिमेंबर एडजस्टमेंट रिजल्ट को भी इनेबल करके रखना चाहिए, ताकि मल्टीपल ऐप से अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो हर ऐप का इंडिविजुअल आपको यहाँ पर स्लाइडर मिले, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो, कहीं वॉल्यूम ज्यादा हो जाए कम हो जाए, लन फन देवानंद ये सब होगा ही नहीं दोस्तों अगर आप इसको बस इनेबल करके रखेंगे अपने इस मोबाइल में। तो अच्छा दोस्तों एक बोनस टिप्स आपको देते हैं। आप हमेशा चाहते हैं कि ये मोबाइल का जो ट्रिक है आप हमेशा जाने, सेटिंग्स में जाइए और इसमें नीचे आप प्राइवेसी में जाइए और आपको हमेशा लगता है कि जब मोबाइल स्विच ऑफ कर रहे हो तो आपको ये पासवर्ड मांगे, ताकि कोई भी आपका मोबाइल स्विच ऑफ ना कर दे क्योंकि उसके पास तो पासवर्ड नहीं होगा, पासवर्ड तो हमेशा आपके पास ही होगा। तो प्राइवेसी में नीचे आप देख सकते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है अनलॉक टू पावर ऑफ, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए ताकि कोई भी आपके मोबाइल को स्विच ऑफ ना कर दे और आपको परेशान ना।
करें। जब भी कोई आपके मोबाइल को स्विच ऑफ करने की कोशिश करेगा, मांगेगा भाई पासवर्ड दे दो, पैटर्न दे दो या फिर बायोमेट्रिक दे दो, जो सिर्फ आपके पास है और किसी के पास नहीं है। छोटा सा टिप्स है मगर बहुत ही कमाल का टिप्स है, जरूर से यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि आपको इस मोबाइल में डायनेमिक इफेक्ट्स बढ़ के देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही मजा आता है अगर आप इसको यूज करते हैं। तो सेटिंग्स में जाना है, डायनेमिक इफेक्ट्स में जाना है, एनहांस डायनेमिक इफेक्ट्स में जाना है, इन दोनों को इनेबल कर लीजिए ताकि आपके डायनेमिक इफेक्ट का फीचर है वो और भी शानदार हो जाए। और वेदर के बैकग्राउंड को भी अगर आप शानदार बनाना चाहते हैं तो यहां से इसको इनेबल कर लीजिए, ताकि आपके वेदर ऐप में आप देखेंगे बहुत सारे डायनेमिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बारिश हो रहा है तो बारिश दिखेगा, बिजली कड़क रहा है तो तर 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 बिजली कड़केगा, धूप निकला हुआ है तो सन बिल्कुल फुल्ली फ्लेश्ड मैनर में आपको दिखेगा। इनफैक्ट नैनो म्यूजिक प्लेयर में भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ डायनेमिक इफेक्ट आपको देखने को मिले तो यहां से भी इनेबल कर लीजिए, मगर जैसे ही आप पीछे जाएंगे तो टच स्क्रीन एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है, यानी स्क्रीन पे आप जहां जहां टच करेंगे वहां वहां इस तरह का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। दिल वाला मेरे को बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, अप्लाई कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, थोड़ा बैटरी तो खाएगा मगर नया फोन है, बैटरी खाने दीजिए। अब जैसे ही आप यहां पर टच करेंगे आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर दिल बन जाता है, यहां देखिए यहां दिल बन जाता है, अगर टच करके रखेंगे देखिए मल्टीपल दिल बनेगा इस तरह से, आप देखिए इस तरह से दिल बन रहा है। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो एम्बियंट लाइट इफेक्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपको कोई कॉल आता है या नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है, तो आपको एक लाइट इफेक्ट देखने को मिलता है साइड में, क्योंकि ये कर्व्ड स्क्रीन है तो और भी मजा आता है। तो सबसे पहले तो आपको कस्टम करना है या हमेशा करना है आप यहां से शेड्यूल कर सकते हैं। बैटरी बचाना है तो आप यहां पे टाइम शेड्यूल कर लीजिए ताकि आपका बैटरी बचे। म्यूजिक में करना है तो म्यूजिक को भी इनेबल कर लीजिए। लाइट इफेक्ट कैसा चाहिए तो आपको यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, बस यहां से टच करना और देखिए इस तरह का लाइट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं इस तरह का आपको लाइट इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो भी आपको अच्छा लगता है बस यहां से कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। ठीक इसी तरह से अगर आपको कॉल में करना है तो इनकमिंग कॉल को भी इनेबल कर लीजिए, लाइट इफेक्ट को यहां से सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसी में वापस बैक जाएंगे डायनेमिक इफेक्ट में और देखेंगे यहां पर आपको होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन का भी इफेक्ट देखने को मिल जाता है, यानी होम स्क्रीन पे आप कोई भी ऐप को ओपन करते हैं तो देखिए किस तरह का एनिमेशन आएगा, तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, जैसा भी आप चाहते हैं उस तरह कर सकते हैं, अप्लाई कर दें। इसके बाद अगेन बैक जाएंगे तो आप देखेंगे होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशन आफ्टर अनलॉक, यानी अनलॉक करने के बाद आपको होम स्क्रीन कैसा चाहिए, तो आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे फ्लाई इन कर सकते हैं, देखिए इस तरह का आपको इफेक्ट मिलेगा, फ्लाई आउट कर सकते हैं आप, यहां पे फ्लाई आउट बाय लेयर कर सकते हैं, मतलब इतना सारा ऑप्शन है, जो मन में आप वो करिए, देखिए आप इन भी कर सकते हैं, अप्लाई कर दीजिए। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे फिंगरप्रिंट आइकॉन एनिमेशन भी आपको देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट का आइकॉन आपको कैसा देखेगा जब स्क्रीन आपका लॉक्ड होगा, तो इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। इसमें कलर सिर्फ एक ही है तो मैं कलर प्रेफर करता हूं, तो मैं कलर को रखता हूं, बढ़िया लगता है देखने में। फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी फिंगरप्रिंट जैसे ही आप देंगे तो कैसा एनिमेशन दिखेगा, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उस तरह कर सकते हैं। कलरफुल देखिए आपको यहां पर इस तरह देखने को मिलता है, बस अप्लाई कर देना है। फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे फेस रिकॉग्निशन का एनिमेशन भी मिलता है, फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको बताता है कि फेस दो फेस दो फेस दो, तो फेस देना है तो फेस ही देना है दोस्तों, तो ऐसा कर लीजिए, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अपना सुंदर मुखड़ा जो है आपको यहां पर दिखाना है, बस अप्लाई कर देना। इसका डायनेमिक इफेक्ट बहुत ही कमाल का है दोस्तों, मैं देखता हूं कि बाकी कंपनी में इतना डायनेमिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, हालांकि चार्जिंग एनिमेशन तो मिलता है कि जैसा चार्जिंग एनिमेशन आप चाहते हैं इस तरह का आप कर सकते हैं, बस अप्लाई कर देना है, मगर ये जो एनिमेशन है वो कमाल का है, यूएसबी इंसर्शन एनिमेशन, यानी यूएसबी आप नीचे जैसे ही लगाते हैं तो नीचे से आपको जो इफेक्ट मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, तो आग लगा दीजिए दोस्तों इस तरह से अप्लाई करके। बैक जाएंगे तो आप देखेंगे स्क्रीन ऑन ऑफ का भी एनिमेशन आपको देखने को मिलता है, स्क्रीन ऑन ऑफ होगा ऑफ होगा तो कैसा आप एनिमेशन चाहते हैं, तो देखिए इस तरह का फेड चाहते हैं या आप चाहते हैं बाएं से या दाएं से अंदर की ओर या ऊपर से आए, तो इस तरह का आप एनिमेशन दे सकते हैं, अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों आइए देखते हैं इस मोबाइल में आपको कस्टमाइजेशन कितना खतरनाक देखने को मिलता है। तो सेटिंग्स में आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन वॉलपेपर है, तो यहाँ पर आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है जिसमें आपको काइनेटिक वॉलपेपर भी देखने को मिलता है, यानी कि जैसे ही आप इसको टच करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का काइनेटिक वॉलपेपर देखने को मिलता है, यानी कि 30,000 स्टेप अगर आप पूरा कर लेंगे तो इस तरह का आपका ये मोटिवेट होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और माउंटेन क्लाइंबिंग आपको दिखाता रहेगा कि आप कितना क्लाइंब कर रहे हैं, यानी जितना स्टेप आप बढ़ेंगे उतना ये जो है एनिमेशन जो है बढ़ता रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि मूनलाइट स्टेमन का भी है, यानी कि फूल देखिए कितना बढ़िया से खिल रहा है, जैसे जैसे स्टेप आप बढ़ाते रहेंगे 4,000 स्टेप में पूरा खिल जाएगा। तो बहुत सारा आपको काइनेटिक वॉलपेपर देखने को मिलता है जिसको आपको डाउनलोड भी करना होता है, देखिए ये सब डाउनलोड नहीं किया हुआ, बस यहाँ पर टैप कर दीजिए, देखिए फट से डाउनलोड करना शुरू कर देगा, बस आपको डाउनलोड कर देना है, देखिए डाउनलोड करना शुरू कर देता है, और इस तरह से आप सारे को डाउनलोड कर लीजिए और जिसका भी मजा लेना है मजा लीजिए। स्टैटिक और लाइव वॉलपेपर भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अब इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको थीम देखने को मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए बस आपको यहाँ से इनेबल कर देना है। एओडी स्टाइल आप कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, आप देख सकते हैं इतना सारा आपको एओडी स्टाइल मिल जाता है। स्टार एडवेंचर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एनिमेशन देखने को मिलता है, इसमें बहुत सारा एनिमेशन है जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा भी लगेगा, इनकेस ये अच्छा नहीं लगता है तो आप थोड़ा सा बैक जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ह्यूमन जो है पर्सनलाइज है, यहाँ पर सेंसरी क्लॉक है, पर्सनलाइज स्टिकर है, डिजिटल क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक है, सिग्नेचर है, आप अपना सिग्नेचर यानी टेक्स्ट भी दे सकते हैं, मैच कैटेगरी जैसे मैं देता हूँ अपना नाम दे सकते हैं, तो बहुत सारा आपको एओडी का फीचर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इनफैक्ट एज स्क्रीन है तो आप देख सकते हैं कि एज स्क्रीन का भी आपको एक बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पर मिल जाता है इस तरह का, आप देखिए इस तरह से एज पे आपको दिखाएगा इस तरह का क्लॉक। चटक कलर वाला चाहिए तो आप देख सकते हैं इस तरह का आप चटक कलर भी दे सकते हैं, बस यहाँ से आपको अप्लाई कर देना है। अब इसी में बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है कलर का, यानी कि आप यहाँ पर मोनोक्रोम थीम
देना चाहते हैं, कलर कैसा रखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे रेड कलर मेरे को कमाल का लगता है तो मैं इसको रखता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगता है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिस्टम एंड यूआई ऐप कलर को बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। मोनोक्रोम चाहते हैं यानी कि सारे आपके मोबाइल में एक ही तरह का कलर हो, तो यहाँ से इसको कर दीजिए। देखिए सारा का सारा फोन में आपको जो कलर है एक हो जाएगा। अप्लाई कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। तो आप जैसे ही बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि सारा का सारा मोनोक्रोम में आपका आ जाता है और बहुत ही बढ़िया लगता है ये आपका देखने में। हालांकि थर्ड पार्टी ऐप को ये सपोर्ट अभी नहीं कर रहा है, करना चाहिए, मगर अगर नहीं भी कर रहा है तो भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये इफेक्ट लगता है आपको देखने में। इसी में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि और भी आपको खतरनाक फीचर देखने मिल रहे थे। जैसे लॉक स्क्रीन सेटिंग्स यानी लॉक स्क्रीन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं आईफोन की तरह। बस यहाँ से कस्टम लॉक स्क्रीन आपको सिलेक्ट कर लेना है। ऑब्वियसली इस क्लॉक के आपको डिजाइन को चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको फॉन्ट कैसे रखना है तो आप इस तरह का फॉन्ट रख सकते हैं जैसे आईफोन में भी आप देखते हैं। कलर यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी कलर आप चाहते हैं, वैसे देखने में तो अच्छा लग ही रहा है। स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो इस तरह का स्टाइल भी कर सकते हैं। अब ये हो गया तो एक्विक इन्फॉर्मेशन यानी कि आप यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्या देना चाहते हैं। तो जैसे नॉर्मली मैं मैजिकल टेक गुरु देता हूँ, आपको भी अपना कोई नाम या मोबाइल नंबर देना चाहिए ताकि आपका फोन गलती से खो जाए या आप कहीं पर रख दें और आप खोज रहे हो, आपको मिल नहीं रहा हो, किसी को मिल जाए तो ऑब्वियसली वो आपके लॉक स्क्रीन को तो एक्सेस कर ही सकता है। तो लॉक स्क्रीन को एक्सेस करेगा, देखेगा आपका नाम है, मोबाइल नंबर है, तो बोलेगा कि यार इसको फोन देते हैं, वरना किसी को पता ही चलेगा फोन किसका है। बस सब कुछ हो गया तो यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। फिर लॉक स्क्रीन पोस्टर है, बैटरी बचाना चाहते हैं तो इसको डिसेबलिंग करके रखिए। मैं नॉर्मली डिसेबलिंग करके रखता हूँ। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे होम स्क्रीन के सेटिंग्स को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसमें सबसे कमाल का चीज है स्लाइडिंग इफेक्ट। यानी होम स्क्रीन से आप ऐप स्क्रीन में जाते हैं तो आपको इफेक्ट किस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, इस तरह का चाहिए, जिस तरह का चाहिए आप उस तरह का कर सकते हैं। मेरे को ये कमाल का लगता है तो मैं इस तरह का रखता हूँ। बैक जाऊंगा उसके बाद आप देख सकते हैं, आप ऐसे करेंगे देखिए इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाने का दूसरा तरीका, दो उंगली से बस ऐसे स्क्वीज कर दीजिए, देखिए आप होम स्क्रीन सेटिंग्स में चले जाते हैं। जो ऐप आइकॉन है उसको अगर आप राउंडेड कॉर्नर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए सारा का सारा राउंडेड हो जाता है, सर्कल चाहते हैं तो ऐसे सर्कल कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको रिस्टोर डिफॉल्ट कर देना है अगर आप चाहते हैं ये हो जाए, वरना ऐसा चाहते हैं तो बस ऐसा कर दीजिए। बैक जाइए, देखिए सारा का सारा आपका सर्कुलर हटकर राउंडेड हो जाता है। अब होम स्क्रीन पे आप राइट स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं यार ये क्या आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है जो आपको बड़ा ये लगता है, बैटरी भी खाता है और आपका लगता है कि रिसोर्स भी ज्यादा यूज करा, आप ये नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट एक चीज और है, ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं यार कुछ ऐसा आ जाता है ग्लोबल सर्च टाइप का जो आपको अजीब सा लगता है, ये सब क्या आ गया। अगर नोटिफिकेशन आ जाता तो इतना बढ़िया होता है, क्योंकि ऊपर से आपको ऐसा करना पड़ता है नोटिफिकेशन के लिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे तो अगेन होम स्क्रीन सेटिंग्स में जाने का तीसरा तरीका आपको बताते हैं। लॉन्ग टाइप करके होम स्क्रीन सेटिंग्स पर आप देख सकते हैं होम स्क्रीन सेटिंग्स में आप चले जाते हैं। पहला चीज क्या था, राइट स्वाइप कर रहे थे तो आ रहा था डिस्कवरर, इसको बस यहां से आप डिसेबल कर दीजिए। स्वाइप डाउन होम स्क्रीन, इसमें आपको ग्लोबल सर्च आ रहा था, कुछ मत कीजिए, नोटिफिकेशन सेंटर कर दीजिए। अब देखिए आप यहां से राइट स्वाइप करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं होगा, और कहीं से भी आप नीचे स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशन सेंटर ही खुलेगा। ऐसे खोलेंगे तो आपका क्विक टॉगल खुल जाएगा। अब दोस्तों जब हम लोग क्विक टॉगल को देख ही रहे हैं तो यहां पर देखते हैं क्या कमाल की चीज आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो उड़ाना हो तो क्लियर ऑल कर दीजिए, देखिए सारा उड़ जाएगा। फिर से आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर आपको टाइम दिखाता है, बस इस पर आप टाइप करेंगे तो आप देखेंगे क्लॉक ऐप आप आसानी से चले जाते हैं, कहीं भी आपको क्लॉक ऐप खोजने का जरूरत नहीं है। जरूर बताइए दोस्तों ये छोटा सा चीज आपको पता था, इतना बढ़िया ट्रिक है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने कितना डेटा यूज किया है इस मंथ में, सारा का सारा यहाँ पर दिखाता है। और यहाँ पर टाइप करेंगे तो आप डेटा कंजम्पशन में चले जाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि मोबाइल डेटा आपने कितना यूज किया है, वाईफाई डेटा आपने कितना यूज किया है इस मोबाइल में। बहुत ही हैंडी फीचर है, जरूर से यूज करना चाहिए। और भी आपको फीचर दिखाते हैं, अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका वाईफाई इनेबल्ड है और हॉटस्पॉट है यहाँ पर, तो हॉटस्पॉट पर जैसे ही आप टच करेंगे तो आप देखेंगे वाईफाई को ये टेथर कर सकता है। यानी आपके मोबाइल में वाईफाई टेथर करना हो तो बस हॉटस्पॉट इनेबल कर दीजिए, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को वाईफाई पास ऑन कर दीजिए बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी हैसल के। और ऐसा करने के बाद आपको लगता है कि यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन होना चाहिए था, तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। लॉन्ग टैप करके रखेंगे आप देखेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। टच ट्रैजेक्टरी अगर आप रिकॉर्ड करना हो तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। साउंड रिकॉर्ड करना हो तो आप कौन सा साउंड रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सिस्टम ऑडियो का, माइक्रोफोन का या दोनों का, यहाँ से इनेबल कर दीजिए। पिक्चर क्वालिटी ऑब्वियसली आप हाई पे ही रखें, बाय डिफॉल्ट ये मीडियम पे होता है। और आप चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग जब भी हो कोई भी डिस्टर्ब ना करे, यानी नोटिफिकेशन डिस्टर्ब ना करे, बस इसको यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब दोस्तों एक कमाल का चीज आपको दिखाते हैं, आप भी आश्चर्य करेंगे कि आपके मोबाइल में ये था, आपको पता भी नहीं था। देखिए यहाँ पर कोई भी रिसेंट ऐप नहीं खुला हुआ है, खुला हुआ है तो उड़ा दीजिए। अब देखिए कोई भी रिसेंट ऐप नहीं है, ऊपर नीचे स्वाइप कीजिए, देखिए कोई भी नोटिफिकेशन में ऐप नहीं, यानी कोई भी ऐप जो है वो आपका रन नहीं कर रहा है जैसा कि आप जानते हैं। मगर फिर भी कभी कभी आपको लगता है कि आपका बैटरी इस फोन का चूस आ रहा है, फोन गर्म हो रहा है, फोन उतना बैकअप नहीं दे रहा है जितना देना चाहिए, तो क्या कारण हो सकता है? तो कारण आपके सामने है मगर आप देखते नहीं है, इसलिए मैजिकल टेक गुरु है आपको दिखाने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं वन ऐप इज एक्टिव, कोई भी ऐप जो है रन नहीं कर रहा है मगर यहाँ पर वन ऐप एक्टिव है। जरूर से आप इसको जब भी देखिए तो फटाक से इसमें जाकर यहाँ से डिसेबल कर दीजिए, नहीं स्टॉप कर दीजिए। ऐसा करते ही आप देखेंगे ये वन ऐप एक्टिव जो है वो सिंबल चला जाएगा, आइकॉन चला जाएगा, और अब आपका फोन का बैटरी जो है बिल्कुल बैटरा की तरह चलेगा, फोन का बैटरी चुसाएगा नहीं, मोबाइल गर्म नहीं होगा और आपका बैटरी बैकअप भी अच्छा रहेगा। और वापस से इसी में आएंगे तो एक कमाल का चीज और आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा आइकॉन मिल जाता है मल्टीपल यूजर का, इस पर आप जैसे ही जाएंगे तो आप देख सकते हैं मल्टीपल यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं। फोन को टेम्पोरली किसी को यूज करने देना है तो गेस्ट यूजर के रूप में दे सकते हैं। फायदा यह है कि वो भी यूज कर लेगा, आप भी यूज कर लेंगे, वो आपके डेटा को नहीं दे सकता, आप उसके डेटा को देख सकते हैं, प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा,
कोई परिंदा पर नहीं मर सकेगा, मैंने आपको शुरू में बताया था। फर्दर सेटअप में जाना हो तो यूजर सेटअप में आप जा सकते हैं, यानी कि गेस्ट यूजर के साथ साथ आप ऐड भी कर सकते हैं गेस्ट को, यानी यूजर को भी ऐड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आपका फोन खराब हो जाता है तो अपनी वाइफ का फोन यूज करना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड का फोन यूज करना चाहते हैं, तो उसके फोन में ऐड यूजर कर दीजिए अपना। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनके डेटा को, वो आपके डेटा को नहीं देख सकते हैं। और जब काम हो गया तो डेटा को उड़ा दीजिए, यानी कि यूजर को ही उड़ा दीजिए। गेस्ट यूजर को डिलीट ऑटोमेटिकली करने के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हुआ है, नॉर्मल यूजर को भी आप उड़ा सकते हैं। अब दोस्तों जो मैं आपको शुरू में दिखाया था कमाल का चीज की कैसे आप इरेज कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, जैसे आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, आप चाहते हैं कि ये सारे लोग गायब हो जाएं, तो कैसे आप गायब करेंगे? तो आपको इस फोटो में जाना है, एडिट में जाना है, और यहाँ पर एक ब्रांड न्यू ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है AI इरेज का, बस इसमें जाना है। कन्वीनियंस के लिए आप फोटो को बड़ा भी कर सकते हैं इरेज करने के लिए, सबसे पहले इस बंदे को ही उड़ा देते हैं, तो इस बंदे को बस आपको ऐसे सर्कल कर देना और देखिए ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा दोस्तों कि ये बंदा है, और इसको देखिए कितना बढ़िया से उड़ा देगा, पता भी नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं कितना साइलेंटली उड़ा दिया है इस बंदे को, पता भी नहीं चल रहा है कि ये फोटो में बंदा था, क्योंकि देखिए सीढ़ी को कितना बढ़िया से अरेंज किया है। फिर आपको लगता है कि नहीं ये जितने भी बंदे हैं इन सबको उड़ाना है, तो देखिए बस ऐसे आप यहाँ सर्कल बनाइए, देखिए उड़ जाता है। एक एक करके उड़ाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये मैंने इसलिए आपको दिखाया है क्योंकि ये कैसे मैनेज करता है स्काई को, ये भी आपको दिखाना था। तो आप देखिए कितना बढ़िया स्काई में आपको देता है, क्लाउड भी देता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि यहाँ कोई बंदा था। मल्टीपल को उड़ाना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं, देखिए मल्टीपल को आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए ये दोनों उड़ जाएंगे। AI इतना सीमलेसली काम कर रहा है दोस्तों कि आप बिलीव नहीं करेंगे यहाँ कोई बंदा था, कोई कह सकता है यहाँ कोई बंदा था। फिर से आप क्या करेंगे कि आप इस बार कोशिश करेंगे इन सारे बंदों को उड़ाने का, क्योंकि ये सारे बंदे जो है आपके फोटो को खराब कर रहे हैं, तो बस ऐसे आप सारे सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए सारे बंदों को सिलेक्ट कर लेता है। और यहाँ बताता है इंटेलिजेंटली रेजिंग, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से गायब हो गया है। अब आइए इन दो मोहतरमा को भी उड़ा देते हैं, ये दोनों मोहतरमा यहाँ पे क्या कर रही है, तो चलिए पहले इनको उड़ाते हैं एक एक करके, और देखिए इनको सिलेक्ट करते हैं, देखिए मोहतरमा सिलेक्ट हो जाती है, फटाक से ही उड़ जाएंगे। आप बोलेंगे पापा की पड़ी है क्या, उड़ जाएगी, देखिए उड़ जाएगी, आप देख सकते हैं। और देखिए ये गिली गिली छू 1 2 3, और देखिए ये उड़ रही है, उड़ रही है, उड़ रही है, जल्दी उड़ जाए, और देखिए उड़ चुकी है। अब इनको अकेले क्यों छोड़ा जाए दोस्तों, इनको भी उड़ा देते हैं, ये चल के जाने का कोशिश कर रही है, हमको उड़ा ही देते हैं। देखिए अगेन ये बोलता है इंटेलिजेंटली रेजिंग 92, 93, 99, और देखिए किसे उड़ेंगी 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 और ये उड़ गई। और अब देखिए ये जो फोटो बन जाता है क्या बन जाता है, आप बिलीव कर सकते हैं यहाँ इतने सारे बंदे बंदे थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे बंदे को ऐसे उड़ा देता है, पता भी नहीं चलता है। कमाल का ये फीचर दोस्तों, मजा आ गया देख के। फिर आप इसको सेव कर लीजिए। एक और तरीका है, अगर आप क्लॉक नहीं करना चाहते हैं यानी सर्कल नहीं बनाना चाहते, तो मैनुअली भी कर सकते हैं, और इस तरह से आप कर सकते हैं उड़ाने के लिए। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कमाल का फीचर और है। एक और फोटो को सिलेक्ट करते हैं, एग्जांपल के लिए ये फोटो को लेते हैं, आप देखते हैं फोटो थोड़ा सा ब्लर है दोस्तों, आप देख सकते हैं फोटो ब्लर है। तो क्या इस फोटो को आप बढ़िया बना सकते हैं ताकि ये बिल्कुल शार्प फोटो बन जाए, बढ़िया फोटो बन जाए, क्योंकि फोटो खींचते समय जरा सा भी हाथ हिल जाता है तो फोटो ब्लर हो जाता है। अब बढ़िया फोटो हो दोस्तों, सनसेट का इतना बढ़िया आप कैप्चर कर रहे हो, आपको लगता है काश कोई तो टूल होता है जो इसको बढ़िया बना देता है, आपका ये फोन वो काम करता है दोस्तों। अगेन आपको एडिट में जाना है, और इस बार आपको क्या करना है तो रिपेयर में जाना है। और रिपेयर में आप जैसे ही जाएंगे तो आप देख सकते हैं AI फोटो एनहांस का ऑप्शन है, बस यहाँ पर टच कीजिए, देखिए बोलता है AI रिपेयर जो काम कर रहा है। और अब देखिए फोटो को कितना शार्प बना देता है फोटो को, आप देख सकते हैं पहले ये फोटो कैसा था, देखिए इतना ब्लर था, अब देखिए कितना शार्प हो चुका है। तो AI का कमाल का फीचर है दोस्तों, इसमें जरूर से यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। और साथ में एक और भी कमाल का फीचर है दोस्तों, अगर आप देखना चाहते हैं तो जैसे ये फोटो है, आप एडिट में जाते हैं और यहाँ पर देखिए कमाल का आपको फीचर मिल जाता है बॉर्डर का, बस बॉर्डर को आप सिलेक्ट कर लेना, और देखिए इस तरह का आपको काम करेगा, देखिए इस तरह का आपको बॉर्डर बना देगा, देखिए इस तरह का फोटो बना देगा। तो मजा आ जाएगा आपको देख के दोस्तों कि इतना बढ़िया से ये फोटो को इतना बढ़िया से रीशेप कर देता है, रीडिजाइन कर देता है, और आपको लगता है कि क्या प्रोफेशनल वे में डिजाइन किया है, नॉर्मली तो आप नहीं कर सकते थे। अब एक कमाल का चीज और है दोस्तों आपको इस फोन में देखने को मिलता है, फोटो को हाइड कर सकते हैं। जैसे फोटो को ओपन करते हैं, ये 3 डॉट्स के मोर मेनू में जाते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड का ऑप्शन है, देखिए हाइड हो जाता है। अब देखिए ये फोटो गायब हो गया यहाँ से, आप सोचेंगे देखेंगे कहाँ, तो ऑब्वियसली देखने के लिए अगेन आपको यहाँ पर सेटिंग्स में अपने एल्बम में जाना होता है, हिडन फोटो में जाना होता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। हालांकि बढ़िया ये होता है कि इस ब्रांड को ये समझना चाहिए कि हिडन हो रहा है, इसका मतलब छुपाने के लिए हो रहा है, तो छुपाना हो तो बायोमेट्रिक को इसमें इंप्लीमेंट करना चाहिए ताकि कोई भी इसको देख ना सके। साथ में आप देख सकते हैं कि अगर आप फोटो को देख रहे हैं तो स्क्रीन आपका हमेशा ऑन रहे, यानी ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन टाइम आउट होता है वो ना हो, तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए। अब दोस्तों इतना तगड़ा प्रोसेसर इसमें है तो गेमिंग करना तो बनता है, तो गेमिंग करने के लिए आपको क्या यहाँ पे कुछ बढ़िया फीचर दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर अल्ट्रा गेम मोड का, बस इसमें आपको जाना है, यहाँ से इनेबल कर देना है। यहाँ आपको 4D गेम वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है, गेम साउंड क्वालिटी इफेक्ट देखने को मिल जाता है, लॉक नोटिफिकेशन मिल जाता है, जो भी आपको इनेबल करना है इनेबल कर लीजिए, म्यूट कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन मिस्टर्स प्रिवेंशन को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, इस तरह से फ्रेम रेट प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। तो मतलब इतना सारा आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। BGMI के लिए देखिए काम करता है, तो चलिए फटाफट से BGMI को ओपन भी कर लेते हैं, तो यहीं से ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे बताता है कि देखिए मल्टी टर्बो ऑन हो जाता है, गेम असिस्टेंट है कहाँ पर है, तो यहाँ पर दिखाता है कि देखिए इस तरह का मल्टी टर्बो मोड में आ जाता है, गेम असिस्टेंट मिल जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं गेम असिस्टेंट में आपको CPU और GPU का स्कोर दिखा रहा है कि कितना बढ़िया CPU का स्कोर है, कितना बढ़िया GPU का स्कोर है, बैटरी परसेंटेज कितना है। 3 तरह का मोड है, बैटरी सेवर मोड आप यूज कर सकते हैं जिसमें आपको बैटरी बचाएगा, भले ही आपको गेम
गेम का परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं रहेगा। बैलेंस मोड आप रख सकते हैं ताकि दोनों बिल्कुल बैलेंस रहे। मॉन्स्टर मोड तो है, देखिए कितना खतरनाक मॉन्स्टर मोड में आ जाता है, यानी कि आपको सिर्फ गेमिंग का रिसोर्स मिलेगा, बैटरी उड़ेगा, उड़ने दीजिए, नया फोन है इतना तो बनता है। 4D गेम वाइब्रेशन को इनेबल करना है तो बस यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए, देखिए इनेबल हो चुका है। बस यहाँ से आप इसको और ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं और डन कर देना है, डन कर दीजिए। फिर से आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलता है, वॉइस चेंजर भी देखने को मिलता है, बैकग्राउंड कॉल है, रिजेक्ट कॉल है, 50 तरह का चीज है दोस्तों जो आप यहाँ पर देखकर अपने आप कस्टमाइज कर सकते हैं, मजा तो आने ही वाला है। चलिए आपको वॉइस चेंजर दिखाते हैं कैसे काम करता है। तो ऑब्वियसली आपको सिलेक्ट करना है किसको करना है, तो सबसे पहले साउंड मोड को सिलेक्ट कर लेते हैं, चलिए क्यूट गर्ल को ही कर लेते हैं, मजा आने वाला है देखकर, डन कर देते हैं। अब रिकॉर्डिंग प्रीव्यू देखना हो तो क्या करना हो, तो रिकॉर्डिंग प्रीव्यू कर देंगे। ऑब्वियसली ये पहले बोलेगा कि क्या करना है नहीं करना है, तो ये सब आपको कर लेना है, जैसे डोंट रिमाइंड मी अगेन करना है, कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो बताने की जरूरत नहीं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे हमको ये मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए नए नए वीडियोस अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाते रहे। तो जैसा ये हो गया है तो इसको कंप्लीट कर दीजिए। अगर आपको सुनना है आवाज तो कहां सुनेंगे, तो अगेन से इस क्यूट गर्ल को टैप कीजिए और आपको वॉइस कैसा चेंज हुआ है उसको सुनिए। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो बताने की जरूरत नहीं, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि इससे हमको ये मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए नए नए वीडियोस अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाते रहे। तो वॉइस चेंजर जरूर से यूज कीजिए दोस्तों, अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं अपने गेमिंग का, और दोस्तों को अपने सब्सक्राइबर्स को फॉलोअर्स को आश्चर्यचकित कर दीजिए कि कैसे आप डेली आवाज बदलते रहते हैं और आवाज बदल बदल के अपने गेमिंग चैनल में रोमांच पैदा करते रहते हैं। तो दोस्तों ये थे इस फोन के इतने सारे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स, आपको कैसा लगेगा फोन कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो बताने की जरूरत नहीं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर से दबा दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ ये पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए, थोड़ा पुण्य और कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। 1 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे करने में मदद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए फटाक से। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, चाहे इसका गेमिंग का वीडियो हो, चाहे कैमरा का वीडियो हो, चाहे बहुत सारा टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो हो, हिडन सेटिंग्स का वीडियो हो, ताकि आपका बैटरी बचाए, आपका बैटरी का लॉन्ग लाइफ हो, आपके मोबाइल का लॉन्ग लाइफ हो। तो तब तक के लिए हमेशा की तरह अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।